वो पटलाल केक काटने के दिन जेब कटवा के आ गए। साहब भाड़ा तो देना पड़ेगा और चाबी भी दीजिए। अरे रुको ना भाई, मैंने पर्स और चाबी दोनों इसी जेब में रखे थे, तुम इतने ढूंढोगे? अब तो ताला तोड़ना ही पड़ेगा। अरे रुको रुको, पोपटलाल कैसे लापरवाही इंसान हो तुम? अरे तुम्हारा ध्यान किधर था? कोई तुम्हारी जेब काट के चला गया तुम्हें पता भी नहीं चला? मेरा फेवरेट कुर्ता था रही है। अरे यार मेरा पर्स चोरी हो गया और तुम्हें कुर्ते की पड़ी है? तूने पक्का मुझे कुर्ता बेमन से दिया था, इसीलिए जेब कट गई। देखो इतनी खुशी से इसको कुर्ता दिया, अभी देखो क्या बोल रहा है, बेमन से दिया। अरे तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ ये। अहो ये वही कुर्ता है ना जिसकी जेब 2 महीने पहले फटी थी? हाँ उस वक्त मैं सिलाई थी ना। सिलाने वाली थी मैं। अभी कुछ भी मत बोलना नहीं तो इसका सारा गुस्सा मुझ पे निकलेगा। साहब अरे मैं चाबी नहीं दूंगा तुम्हें। अबे चाबी नहीं भाड़ा मांग रहा हूँ। अरे चाबी मुझे चाहिए। अरे मैंने बोला ना भाई, मैंने पर्स और चाबी इसकी जेब में रखे थे, अभी कहाँ से दूँ? और चाबी नहीं है मतलब लॉक नहीं खुलेगा, लॉक नहीं खुलेगा तो मेरा मोबाइल और पर्स नहीं मिलेगा, इसका मतलब एनिवर्सरी मेरी गई। अरे आपको ध्यान देना चाहिए था ना, ऐसे कैसे कोई आपकी जेब काट सकता है? अरे चोरी करने से पहले वो चोर मुझे पूछने नहीं आया था, मिस्टर पोपटलाल अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपकी जेब काट लूं। तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी सेलिब्रेशन के लिए लेट पहुंचा, मेरी जेब कट गई, मेरा पर्स चोरी हो गया, चाबी चली गई और तुम मुझे सुना रहे हो? अंकल अब एक ही काम हो सकता है, हम चाबी वाले को बुला लेते हैं। अरे वो चाबी वाला आएगा कब और वो दूसरी चाबी बनाएगा कब और मेरा पर्स और मोबाइल मिलेगा कब? इससे अच्छा है मैं भिड़े भाई के घर का ताला ही तोड़ दे। भाई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा मोबाइल और पर्स तो आपके घर में है ना भिड़े भाई? हाँ लेकिन हमारे घर की चाबी पोपटलाल के घर पे है ना। अरे तो मेरे घर की चाबी चोरी हो गई है। इस हिसाब से तो ताला आपके घर का तोड़ना चाहिए। अरे इनका घर कहाँ है? ये ऊपर दूसरा वाला। ये भिड़े मेरे दरवाजे को कुछ हुआ तो मैं तेरा दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारे दरवाजे को बाबा। ए रुको ए बोला यार। अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा, रोको रोक रोक रोक, नहीं जाने दूंगा, रोक नहीं जाने दूंगा। ए अरे 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 मारा कहाँ है? अरे रुक जा, अरे रुक भाई, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे नहीं। देख बोला मैं मेरे घर का ताला नहीं तोड़ने दूंगा। पोपट भाई आप समझिए आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। अरे मैं समझ रहा हूँ लेकिन एनिवर्सरी तो हर साल आती है ना। अरे फर्स्ट एनिवर्सरी एक ही बार आती है। अरे फर्स्ट या सेकंड क्या फर्क पड़ता है? आपकी शादी हुई है? मेरी शादी? अरे नहीं हुई, बोल दो ना भाई। तो आप नहीं समझोगे? क्यों नहीं समझूंगा, मेरी शादी नहीं हुई तो मैं नहीं समझूंगा? तो फिर ताला तोड़ने दो। नहीं मैं समझू या ना समझू तुम एक बात समझ लो, चाहे कुछ भी हो जाए इस घर का ताला नहीं टूटेगा। भोला भाई आप तो समझ जाइए। आप तो मतलब? आप तो समझते ही हो ना, तो इसलिए इनको कह रही हूँ कि भोला भाई आप तो समझ जाइए। अरे समझना तो इनको चाहिए, चाबी खो दी इन्होंने। अरे चाबी खोई नहीं है, चोरी हुई है और वो भी मेरी। पर आप सबको अपनी अपनी पड़ी है, पता है मेरा पर्स चोरी हुआ तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ? ना ये ताला टूटेगा ना दरवाजा टूटेगा, सबसे पहले पुलिस केस होगा। पर ताला तो टूटा नहीं तो पुलिस केस किस बात का? अरे मेरा पर्स चोरी हुआ है, मेरी जेब कटी है, उस बात का। सॉरी। अब ये ताला तभी खुलेगा जब पुलिस मेरा पर्स और चाबी ढूंढ कर लाएगी। पोपटलाल इतनी सी बात के लिए पुलिस पे कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ। भिड़े ये इतनी सी बात नहीं है,
अरे अगर पुलिस आएगी तो केस बनेगा, फिर चोर मिलेगा, फिर चाबी मिलेगी, फिर बड़े भाई के घर की चाबी मिलेगी, फिर मेरा मोबाइल मिलेगा, ऐसे में तो मेरी एनिवर्सरी खत्म हो जाएगी। जो भी हो मैं अपने घर का ताला नहीं तोड़ने दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा सामान मेरे घर पे नहीं भिड़े के घर पे है। ठीक है मैं जा रहा हूं। हर्ष समझ गया। भिड़े भाई के घर का ताला तोड़ने। हाँ हम देखते हैं कैसे भागता है। साकी साकी खेलते थे। पकड़ लिया चोर को, पकड़ लिया। अरे चोर किसको बोलते हो? तुम्हें। मैं चोर नहीं हूँ। सारे चोर पकड़ जाने के बाद ऐसे ही कहते कि मैं चोर नहीं हूँ। अरे मैं सच में चोर नहीं हूँ। भिड़े भाई, भिड़े भाई, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। अरे मैं भी कब से यही कह रहा हूँ कि पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। अरे इतनी सी बात के लिए पुलिस कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है? भिड़े मेरा पर्स चोरी हुआ है, वो तुझे इतनी सी बात लग रही है? क्या इसने आपका पर्स चोर किया है? अरे नहीं नहीं अब्दुल, इसने चोरी नहीं किया है। तू इसे पकड़ क्यों रहे? क्योंकि इनका पर्स और मोबाइल भिड़े अंकल के घर पर है। अच्छा, और आज मेरी एनिवर्सरी है, मुझे छोड़ो। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे अब्दुल बात दरअसल ये है कि ये भोलाराम प्लम्बर है, मेरे घर पे नल रिपेयर करने आया था, तो उसका मोबाइल और पर्स घर में रह गया और मेरा घर लॉक हो गया है। हाँ तो लॉक खोल के सामान दे दीजिए। अरे नहीं खोल सकता ना, मेरी चाबी पोपटलाल के घर में है। पोपट भाई चाबी दे दो ना। अरे भाई नहीं दे सकता, क्योंकि भिड़े के घर की चाबी मेरे घर पर है और मैंने अपने घर की चाबी मेरी जेब में रखी थी और मेरी जेब कट गई है। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ लॉक तोड़ना ही पड़ेगा। याना तोड़ा इतना से आज? लॉक तोड़ने की क्या जरूरत है, मैं जादूगर को बुलाता हूँ ना। जादूगर है? अब जादूगर आके लॉक खोलेगा? अरे भाई जादूगर चाबी वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे कब वो चाबी वाला आएगा और कब वो लॉक खोलेगा, तब तक तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। अरे नहीं नहीं कोई टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में आ जाएगा, नाके पे तो है वो, अभी फोन करूंगा अभी आएगा। बुला बुला फोन करके बुला। हाँ। जादूगर भाई मैं अब्दुल बोल रहा हूँ गोकुलम सोसाइटी से, आप जल्दी से आ जाइए, एक ताला खोलना है। क्या? ओके ओके। क्या हुआ? 2 मिनट में आ रहा है। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हाँ सुना मैंने, आ रहा है वो। अंकल इस बार 2 मिनट में ना आए ना तो भिड़े अंकल के घर का लॉक तोड़ देना। ए क्या लॉक तोड़ देना? हाँ लॉक कितना महंगा था पता है तुम्हें? क्या कर रहे हो? अरे यहीं पे हूं मैं। आ गया आ गया।
अरे आजा आजा भाई, स्पीड बघा ऐसा। अरे काका जल्दी चलो। आराम से, जल्दी किस बात की है? जल्दी चलो, गिर जाऊंगा। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, किस बात की? तो उत्तर दे दो उसको। आराम से, चलो 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 चलो। मास्टर जी आ गए। मास्टर जी, वो तो बीड़े अंकल है। आपने इनको बुला लिया तो फिर मैं वापस जाता। अरे वो भाई, ओ रुको 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 भाई, ये पढ़ाने वाले मास्टर है। अच्छा, ये तकदीर का ताला खोलते हैं? अरे जल्दी चलो और ताला खोलो। अरे आराम से जाते हैं ना, जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है। ए? ये तो ताला खोलने में 1 साल लगाएगा। तो अच्छा है ना अंकल, आपकी दूसरी एनिवर्सरी भी आ जाएगी। ओए हाँ। अरे अगर पहली एनिवर्सरी नहीं मनाई तो पत्नी मायके चली जाएगी, तो दूसरी कहां से मनाऊंगा? आप जल्दी से चलिए, भिड़े भाई के घर का ताला खोलिए, चलिए। नहीं नहीं, मेरे घर का नहीं बोला राम, पोपट लाल के घर का ताला खोलना है। लेकिन मेरा सामान तो आपके घर में है ना। अरे भोलाराम, अपनी बात तो हुई थी भाई कि मेरी चाबी पोपड़ के घर में है, उसका ताला खोलेगा तो मैं अपनी चाबी लूंगा, अपने घर का दरवाजा खोलूंगा और तुम अपना मोबाइल और पर्स ले लेना। अरे उसमें कितना टाइम जाएगा? पहले इनके घर जाओ, ताला खोलो, फिर भिड़े भाई के घर की चाबी लो, फिर भिड़े भाई के घर का ताला खोलो, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए आप भिड़े भाई के घर का ताला खोलो, चलो। अरे रुको रुको, पहले आप लोग आराम से अंदर अंदर चर्चा कर लीजिए कि किसके घर का ताला खोलना है। अरे कोई चर्चा नहीं होगी भाई, ये तय हो गया है कि पोपट लाल के घर का ताला खुलेगा। ठीक है, आप इनके घर का ताला खोलो, मैं भिड़े भाई के घर का ताला तोड़ता हूँ। आराम से चलेंगे तो कैसे चलेगा? चाबी वाले भी तार तोड़ की जरूरत नहीं है। भाई आप कर पाओगे? अरे पहले इनको देखने तो दो। आइए आइए, चलो चलो भाई, चलो चलो। दूर होगा, जादूगर है वो, हो जाएगा। तो तुमको देखने दो भाई। होगा, एक मिनट। अरे होगा, होगा। एक मिनट, पक्का होगा ना? आराम से, आराम हराम है, जल्दी कीजिए। जल्दबाजी में अक्सर नुकसान होता है। पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, आप जल्दी से ताला खोलिए। हाँ जल्दी 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 कीजिए 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 कीजिए। अच्छा एक एक मिनट, पहले बताइए पैसा कितना होगा? अरे भिड़े भाई, जो भी पैसा होगा मैं दे दूंगा,
आप जल्दी से ताला खोलिए। हाँ ठीक है ठीक खोलिए। चलो 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 जल्दी जल्दी। अरे जल्दी कीजिए। जल्दी ही करूंगा, सिर्फ आधे घंटे में हो जाए। क्या आधा घंटा? तेरे इनका आधा घंटा कब होगा? क्योंकि ये नए जमाने का लॉक है। कम से कम ताला तो नए जमाने का है। सॉरी, आधे घंटे का टाइम नहीं है, मैं ताला ही तोड़ देता हूँ। लेकिन तोड़ना क्यों भाई? रुको रुको जरा, आधा घंटा क्यों लगेगा भाई? मैंने आपको बताया ना, ये नए जमाने का लॉक है। अगर देसी लॉक होता तो मैं 2 मिनट में खोल देता। तो फिर एक काम करते ना, इसके घर का ताला देसी है तो आप फटाफट खोल दीजिए। एक बार इसके घर का ताला खुला तो मेरी चाबी मिल जाएगी और तुम्हारा मोबाइल पर्स मिल जाएंगे। हाँ तो चलो फिर इनके घर का ताला खोलते हैं। अरे चलो चलो उसको पकड़ते हैं भाई, वरना वो मेरे घर का ताला तोड़ देगा। अरे चलो चलो अरे चलो ले लो जल्दी, क्या कर रहे हो? मेरा बैग करके आ रहे हो? पकड़ो भाई, चलो पकड़ो। अरे पकड़ो थोड़ी, क्या करा? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये कैसी सोसाइटी है जिसको देखो वो मुझे चोर समझ रहा है? क्या मैं शक्ल से चोर लगता हूँ? ओए, वो चोर की शक्ल पे लिखा होता है कि मैं चोर हूँ? ओए पिड़ू, वो फल्या चोर हूँ और दास, इसने क्या चोरी की है? अरे सॉरी, ये चोर नहीं है भाई, ये प्लम्बर है। सॉरी, पर आप लोग फिर पकड़ो पकड़ो करके इसके पीछे क्यों दौड़ रहे थे? क्योंकि पापा ये पोपट अंकल के घर का ताला तोड़ने जा रहे थे। क्यों? अरे भाई सोढ़ी, मैंने कल रात को बताया था ना कि आज हमारा अखबार तूफान एक्सप्रेस की एनिवर्सरी है और सुबह मुझे जाना है। अरे साहब, कल की बात से शुरू करेंगे तो आज की बात पे कब पहुंचेंगे? साहब मैं बताता हूँ आपको, हुआ क्या कि भिड़े भाई के घर के किचन के नल में लीकेज था, मैं उसे बनाने गया था, उसमें मेरा मोबाइल और पर्स अंदर रह गए जो मुझे अर्जेंट चाहिए। आज मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और मुझे मनाने जाना है। ओ जी मुबारक ओए, मैरिज एनिवर्सरी दिया लक लक बधाइयां। एक सेकंड, मैंने एक गल समझ में नहीं आई कि नल लीकेज हो रहा था पीड़ू के घर पे, ये रिपेयर करने गया पीड़ू के घर पे, इसका सामान रह गया पीड़ू के घर पे, तो फिर ये पोपू के घर का ताला क्यों तोड़ने जा रहा था? वो मैं बताता हूँ भाई, भिड़े के घर की चाबी मेरे घर पर है और मैंने अपने घर की चाबी मेरी जेब में रखी थी, लेकिन मेरी जेब कट गई तो मेरा पर्स और चाबी दोनों चोरी हो गए। ओए पप्पू, तेरा पर्स चोरी नहीं हुआ है? अरे हुआ है भाई, ये देख ये देख। ओ नहीं हुआ है पप्पू, ये देख। अय्या पुत्र, मेरा पर्स, ये देख मेरा पर्स। मेरा पर्स तेरे पास कहाँ से आया? ओहे पप्पू, सवेरे तू मेरी गड्डी में बैठा था ना, तो हो सकता है चढ़ते और उतरते वक्त ये पर्स गिर गया हो। अभी जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे सीट के नीचे मिला। तू चंगी तरह खोल के तसल्ली कर ले, वो पैसे वैसे सब ठीक है ना? अरे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, पैसे नहीं थे? नहीं। तो पिता हंगामा क्यों किया? अरे भाई इसमें कार्ड्स हैं। मैरिज ब्यूरो के? अरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। एक मिनट, मेरा पर्स सोडी की गाड़ी में था, मतलब मेरी जेब कटी नहीं थी, फटी हुई थी। भिड़प, ये भिड़प, बाहर निकल बाहर निकल।
तूने मुझे फटी हुई जेब वाला कुर्ता दिया था और अभी तक बोल भी नहीं रहा था। मुझे सच में पता नहीं था उसकी जेब फटी हुई है। तेरा कुर्ता तोड़, तुझे पता नहीं था कि जेब फटी हुई है? अरे नहीं पता था भाई, सॉरी भाई सॉरी। तेरे सॉरी का क्या, मैं अचार डालूं? आ गया कहानी में नया मोड़। भिड़े ने जो पोपटलाल को कुर्ता दिया था वो पहले से ही फटा हुआ था, ये पोपटलाल को मालूम हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि पर्स सोडी की गाड़ी में ही मिल गया, लेकिन अब तक चाबी नहीं मिली, जिस चाबी की वजह से ये पूरा हंगामा हुआ, जिस चाबी की वजह से भोलाराम को रोक के रखा गया, जिस चाबी की वजह से गोकुलधाम का सुख चैन गायब हो गया, वो चाबी अब तक नहीं मिली। जब तक पोपटलाल के घर की चाबी नहीं मिलेगी तब तक भिड़े के घर की चाबी नहीं मिलेगी, जब तक भिड़े के घर की चाबी नहीं मिलेगी तब तक भोलाराम को उसका पर्स और मोबाइल नहीं मिलेगा। बेचारा भोलाराम, आज शादी की पहली एनिवर्सरी है उसकी, फिर भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए वो नल रिपेयर करने आ गया। वेस्ट होते हुए पानी को तो रोक दिया, लेकिन भिड़े के घर की चाबी ने उसे रोक दिया। भोलाराम की पत्नी घर पे उसका इंतजार कर रही है, लेकिन भोलाराम यहाँ पे फंसा हुआ है और फिल्म का टाइम निकलता जा रहा है। क्या भोलाराम की एनिवर्सरी में खुशी का रंग मिलेगा? क्या उसकी पत्नी और उसके चेहरे पे मुस्कान का फूल खिलेगा? क्या भिड़े के घर का ताला खुलेगा? क्या चाबी मिलेगी? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल के एपिसोड में। ये गोकुल धाम है या हंगामे के पटाखे फूटते हैं और बाद में खुशी के फवारे छूटते हैं? तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। नहीं नहीं, मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। क्या है, सच में इनको पता नहीं था कि जेब फटी हुई है? ओए छठ ना पप्पू, और तेरा पर्स मिल गया ना, ठंड रख। अरे भाई पर्स तो मिल गया, लेकिन मेरे घर की चाबी किधर है? ओ मैंने नहीं पता, चाबी छोड़िए, भोला अंकल कहाँ गए? वो मेरे घर का ताला तोड़ने गए हो।